कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश की शराबबंदी एक बार फिर सवालों के घेरे में है और बिहार सरकार की शराबबंदी पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से पूछा है कि क्या शराबबंदी कानून की वजह से अदालतों पर जो बोझ बढ़ा है, इस कानून को लागू करते वक्त क्या बिहार सरकार ने उस पर विचार किया था। इसके अलावा प्ली बार्गेनिंग के जरिए जो लोग शराबबंदी कानून को तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं, उनको कम सजा देकर अदालतों के बोझ को कम करने पर क्या बिहार सरकार विचार कर रही है। बता दें कि न्यायालय ने जमानत याचिका के एक समूह पर सुनवाई करते हुए अपनी ये बात रखी है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार के शराबबंदी पर सवाल उठे हों। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने भी बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि कई सरकारें तो कानून बना देती है, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं करती कि इन कानूनों को बनाने के बाद कानून व्यवस्था पर बोझ कितना बढ़ता है और सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उन कानूनों को फॉलो करवाने के लिए डेवलप करने पर विचार नहीं करती और सारा बोझ जो एट प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ही आ जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि अगली सुनवाई पर बिहार सरकार बताए कि शराबबंदी कानून की वजह से कितने लोगों को जमानत मिली है और इस पूरे मामले के बाद जेलों पर बोझ आखिर कितना बढ़ा है। शीर्ष न्यायालय ने चिंता जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट में शराबबंदी कानून के अभियुक्तों के इतने मुकदमे हो गए हैं कि एक समय में पटना हाई कोर्ट में 16 जज शराबबंदी के अभियुक्तों की जमानत याचिका सुन रहे होते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि जज मामले को ठीक से सुन पाए। इस केस में यही शिकायत है कि उसका केस ठीक से नहीं सुना गया और न ही कोर्ट ने बुद्धिमता का प्रयोग किया। बता दें कि 2016 में नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, जिसके मुताबिक बिहार में कोई भी मादक पदार्थ पीना, बेचना या सप्लाई करना कानूनी दायरे में आता है, उस पर सजा का प्रावधान किया गया था। 2018 में इस कानून में थोड़ी ढील दी गई और उसके तहत ये तय किया गया कि जो लोग पहली बार शराब पीते पकड़े जाएंगे, उनको 50,000 रुपए जुर्माना या फिर 1 माह की सजा के बाद छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में प्ली बार्गेनिंग शब्द का भी इस्तेमाल किया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर प्ली बार्गेनिंग होता क्या है। प्ली बार्गेनिंग का मतलब अपराध स्वीकार कर कम सजा लेने के लिए मोलभाव करना है। ट्रायल अदालत में प्ली बार्गेनिंग स्वीकार होने पर अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ा जा सकता है या उसे मुक्त किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग के लिए CRPC 1973 की धारा 265 में प्रावधान दिए गए हैं। 7 साल या उससे कम की सजा के प्रावधानों में ही प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। महिलाओं के प्रति अपराध और साल 2005 में इन प्रावधानों को एक संशोधन के जरिए CRPC में जोड़ा गया था। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दिक्कत तो जाहिर की है, देखना होगा कि बिहार सरकार इस पूरे मामले पर जवाब क्या देती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।